फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीना किचन पॉइंट। एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लौकी से बनने वाली मिठाई, जिसे हम घिया के लौच के नाम से जानते हैं। यकीन मानिए, ये लौकी से जरूर बनेगी, पर ये मिठाई बहुत ही टेस्टी होती है। इसे आप कभी भी फटाफट बना सकते हैं और इसकी खासियत यह है कि इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं। चलिए इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलते हैं किचन में, दिखाएंगे घिया की लौच के लिए हमें किन किन सामानों की जरूरत है। घिया की लौच बनाने के लिए हमें चाहिए घिया, यानी कि लौकी। लौकी को हमने कद्दूकस कर लिया है और लौकी का सिर्फ साइड का पार्ट हमने कद्दूकस किया है। जो बीच में बीज होते हैं, व्हाइट व्हाइट पार्ट होता है, वो हमने अलग कर लिया था जिससे कि बीज इसके अंदर ना आए। और इसके बाद हमारे पास है मावा, यानी कि हमने मावा लिया है खोया 250 ग्राम, 2 से 3 चम्मच देसी घी, इलायची पाउडर, बादाम और पिस्ते गार्निशिंग के लिए, चीनी 250 ग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने घी की लौच बनाना। की लौच के लिए हमने स्टार्ट कर ली अपनी गैस, करते हैं स्टार्ट बनाना। अब रखेंगे हमने कढ़ाई, तो कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी, क्योंकि देसी घी में हमें अपनी लौकी को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। दो चम्मच करीब मैंने देसी घी डाला है इसके अंदर। गैस की फ्लेम थोड़ी सी तेज करते हैं जिससे कि घी बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाए। घी हमारा बिल्कुल मेल्ट हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे अपनी लौकी। लौकी को इसमें बहुत अच्छे से हमें भून लेना है। देखिए, मैंने कहा था इसमें व्हाइट बीज अच्छे नहीं लगते हैं, तो ये फिर भी 1-2 आ गए हैं, इन्हें मैं हटा देती हूँ। अभी मैंने अपनी गैस की फ्लेम तेज ही कर रखी है इसे फ्राई करने के लिए। इसे हम 2-3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे जिससे कि लौकी का थोड़ा कच्चापन चला जाए। लीजिए दोस्तों, तो ये लौकी हमने अच्छे से भून ली है, लगातार चलाते रहिए, हमने इसमें छोड़ा नहीं है इसे। और अच्छे से भूनने के बाद, क्योंकि अब जितना भून लेंगे इसे 2-3 मिनट अच्छे से, उतनी ही टेस्टी बनेगी घिया की लौच। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। मैंने गैस की फ्लेम अपनी थोड़ी तेज ही करके करी है जिससे कि जल्दी से तैयार हो जाए। अब मैं इसमें अपनी चीनी डालूंगी, क्योंकि चीनी के बाद ये लौकी पानी छोड़ेगी, ये मेल्ट हो जाएगी चीनी। तो लौकी में ही पानी होता है, चीनी डालने के बाद ये भी पानी छोड़ेगा। तो अब इसे हमें काफी देर तक अच्छे से चलाना है जिससे कि इसका जो पानी आएगा लिक्विड, वो पूरा सूख जाए। ये देखिए, जैसे जैसे चीनी मेल्ट होगी लौकी में मिक्स होने पे, तो इसमें पानी आ जाएगा। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा इसमें पानी, इस साइड में पानी आ रहा है। तो इसे हमें बिल्कुल सुखा लेना है। अब यहाँ पे गैस में थोड़ी सी कम कर देती हूँ। ये देखिए, लौकी ने काफी पानी छोड़ा है। यहाँ पे मैं इसे 2-3 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी जिससे कि लौकी और अच्छे से गल जाए। लीजिए दोस्तों, तो ये लौकी हमने अच्छे से भून ली है, लगातार चलाती रही है, हमने इसमें छोड़ा नहीं है इसे। और अच्छे से भूनने के बाद, क्योंकि अब जितना भून लेंगे इसे 2-3 मिनट अच्छे से, तो उतनी ही टेस्टी बनेगी घिया की लौच। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। मैंने गैस की फ्लेम अपनी थोड़ी तेज ही करके करी है जिससे कि जल्दी से तैयार हो जाए। अब मैं इसमें अपनी चीनी डालूंगी, क्योंकि चीनी के बाद ये लौकी पानी छोड़ेगी, ये मेल्ट हो जाएगी चीनी। तो लौकी में ही पानी होता है, चीनी डालने के बाद ये भी पानी छोड़ेगा। तो अब इसे हमें काफी देर तक अच्छे से चलाना है जिससे कि इसका जो पानी आएगा लिक्विड, वो पूरा सूख जाए।
ये देखिए जैसे जैसे चीनी मेल्ट होगी लौकी में मिक्स होने पे, तो इसमें पानी आ जाएगा। तो देखिए आपको दिख रहा होगा इसमें पानी, इस साइड में पानी आ रहा है, तो इसे हमें बिल्कुल सिखा लेना है। अब यहाँ पे गैस में थोड़ी सी कम कर देती हूँ। यहाँ पे मैं इसे 2-3 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी, जिससे कि लौकी और अच्छे से गल जाए। तो इसको हम 2-3 मिनट के लिए ढक देते हैं और 2-3 मिनट बाद ही हम खोल के चेक कर। चलिए तो 2-3 मिनट हो गए हैं, हम इसे कवर हटा के देख लेते हैं। मैंने इसे बीच में भी एक बार चलाया था, ये देखिए ये अच्छे से हमारी पक चुकी है लौकी। अब इसमें हम अपना खोया डाल देंगे, पानी भी खत्म होने लग रहा है। तो यहाँ पे हम डालेंगे इसमें अपना खोया, थोड़ा सा इसे सूखा भून लेते हैं पहले खुला करके, जिससे कि पानी इसमें से चला जाए बिल्कुल ही। अब क्योंकि इसमें कढ़ाई से अलग होने लगी है लौकी और घी भी छोड़ रही है साथ में, तो हम डाल देते हैं इसमें जो हमने खोया लिया है। आप इस घी की लौज को बिना खोए के भी बना सकते हैं और खोए के साथ भी, लेकिन खोए डालने के बाद इसका टेस्ट बिल्कुल डबल हो जाता है। खोए की सारी गांठों को बिल्कुल मेल्ट कर लेना है, जब तक ये बिल्कुल मेल्ट ना हो जाए। इसकी फ्लेम हम थोड़ी सी कम कर लेंगे। हमें खोए डालने के बाद भी इसे 2-3 मिनट अच्छे से भूनना है, क्योंकि इसकी हमें बर्फी जमानी है। लॉज एक पीसेस में होती है, जमती है, उसके लिए इसे हमें अच्छे से पका लेना है। मैं यहाँ थोड़ी सी गैस तेज करके इसे अच्छे से भूनूंगी। गैस की फ्लेम बंद करने से पहले हमने जो इलायची पाउडर लिया था वो थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी घी की लौज बिल्कुल तैयार है जमने के लिए, क्योंकि ये देखिए कितने आराम से पूरी कढ़ाई में घूम रही है, चिपक नहीं रही है और ऑयल भी साइड में जो हमने घी डाला था वो भी छोड़ चुकी है। तो अब ये बिल्कुल तैयार है जमने के लिए। हम गैस की फ्लेम बंद करते हैं और इसको अपने प्लेट में जमाते हैं जिसमें हमें जमाना है। चलिए गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी। की लौज को जमाने के लिए हम कोई भी एक नॉर्मल प्लेट ले लेंगे जो आपके पास हो, अगर उसमें कॉर्नर्स हो यानी कि थाली टाइप में हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप नॉर्मल प्लेट ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा घी लगा लेंगे, ग्रीस कर लेंगे इसे, जिससे कि ये चिपके नहीं, पीसेस में बहुत अच्छे निकल के आए। और अब इसे इसके अंदर डालेंगे। लॉज
उसने अच्छे से फैला दी है। इसमें अपनी गार्निशिंग कर लेंगे जो हमने बादाम लिए हैं। पिस्ते और इन्हें थोड़ा सा प्रेस कर देंगे जिससे कि इसमें अच्छे से चिपक जाए। तो ये हमने इसमें बहुत अच्छे से प्रेस कर दिए हैं। अब इसे हम 1 घंटे के लिए रख देंगे जिससे कि हमारी बर्फी सेट हो जाएगी, और 1 घंटे जब भी बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो हम इसे पीसेस में काट सकते हैं इसीलिए। तो चलिए इसे रखते हैं 1 घंटे के लिए, बाद 1 घंटे बाद जब हम देखेंगे ठंडी हो जाएगी तो करके दिखाएंगे आपको इसके पीसेस की प्लेटिंग। लीजिए फ्रेंड्स, तो ये हमारे 1 घंटा हमने इसे ठंडा कर दिया, ठंडे करने की वजह से अच्छे से जम गई है। अब हम इसके पीसेस काटेंगे। तो ये लीजिए, हमने इसके पीसेस कर दिए हैं। अब इन पीसेस को एक प्लेट पे निकाल के दिखाते हैं आपको। लीजिए फ्रेंड्स, तो ये हमारी घी की लॉज बिल्कुल तैयार है, बहुत ही टेस्टी है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप व्रत में, फास्ट में कभी भी खा सकते हैं, बनने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत सिंपल ईजी है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मेरी और भी रेसिपीज को एंजॉय करने के लिए सजेस्टेड लिंक आते हैं, आप उन्हें क्लिक करके मेरी और रेसिपीज भी एंजॉय कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे एक न्यू एपिसोड में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।